वहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी। लोकसभा की 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल सियासी सरगर्मियों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत से बातचीत के बाद कांग्रेस को दी जाने वाली 11 सीटें फाइनल कर दी है। इन सीटों की सूची भी कांग्रेस नेतृत्व को भेज दी गई है। अखिलेश ने एक्स के जरिए गठबंधन के लिहाज से इसे अच्छी शुरुआत बताया है। हालांकि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि इस बारे में सकारात्मक बातचीत चल रही है और अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इससे लगता है कि यूपी में कांग्रेस की राज्य इकाई इस समझौते से सहमत नहीं है। यूपी कांग्रेस कम से कम 20 सीटों की मांग कर रही है। बैठक थी जिसमें सभी जगह की समीक्षा हम लोगों ने की, सभी प्रदेशों के बारे में और आज की राजनीतिक परिस्थिति में और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं, बस उतना ही हुआ। इंडिया अलायंस को लेकर कुछ बात हुई? नहीं, इंडिया अलायंस नहीं था, जो हर स्टेट वाइज समीक्षा बैठक थी उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई और मुझे लगता है सभी काफी पॉजिटिव सकारात्मक है, आगे बात बढ़ रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, क्या कुछ खबर पर जानकारी, क्योंकि यदि बात करें लोकसभा चुनाव जो है काफी नजदीक है, उसकी तैयारी सभी पार्टियां कर रहे हैं। देखिए कविता जी, कल अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है उन्होंने एक एक्स पे पोस्ट किया कि हमारी बात कांग्रेस से फाइनल हो गई, 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन शाम होते होते कांग्रेस में मुखर जो स्वर है मुखर होने लगे कि हम 11 नहीं 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात होने के बाद यह सीटें फाइनल हुई हैं। लेकिन जिस तरह से देश का सियासी घटनाक्रम बदल रहा है उसमें कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो रही है। भगवंत मान ने पंजाब में साफ कर दिया कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को जीरो से स्टार्ट करना है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और संजय राउत से उनकी बात चल रही है लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर सामने फाइनल हुई उसमें भी अब टांग अड़ गया है। जो प्रभारी है अविनाश पांडे जी, उन्होंने साफ कहा कि अभी शीर्ष स्तर पे बात चल रही है, फाइनल कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ गांठ बाकी है जिसे सुलझाना जरूरी है। चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस 2019 की सीट में केवल एक लोकसभा सीट केवल रायबरेली जीत पाई थी। अमेठी से राहुल गांधी खुद स्मृति ईरानी के मुकाबले चुनाव हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने अब एक संकट सामने यही है कि किस तरह से अपने आप को यूपी में खड़ा किया जाए। हालांकि 2 से 2.5 साल लगभग प्रियंका गांधी जी यूपी की प्रभारी रही लेकिन बहुत कुछ खास कांग्रेस नहीं कर पाई। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 402 सीटों में मात्र 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई। तो इससे थोड़ा विपक्षी दलों के सहारे चुनाव लड़ना कांग्रेस की मजबूरी है उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस की कोशिश शुरू से रही कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर चला जाए लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हम बसपा के साथ नहीं जाएंगे। तो अब बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का गठबंधन सपा से है लेकिन सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम जिन 2019 की सीटों जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, जहां जहां सेकंड नंबर इन्होंने पोल किया था उन सीटों को सपा कांग्रेस को दे दे लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर तैयार नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से 7 सीटें आरएलडी को दे दी है। अब 11 सीटें कांग्रेस को देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। अगर कांग्रेस इस पे संतोष करती है तब तो आप मानिए गठबंधन होगा। अगर कांग्रेस 20 सीटों को जीत करती है तो अखिलेश खेमे से भी सुबुगाहट है कि हम अकेले चुनाव मैदान में कूद जाएंगे। क्योंकि बिहार में जिस तरह से सियासी हलचल मची हुई है वहां पे गठबंधन तार तार हो चुका है। तेजस्वी यादव अलग है, नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं। ऐसे में वहां कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पे कांग्रेस को थोड़ी दुश्वारियां महसूस हो रही है। अब जहां कांग्रेस अकेले है, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां तो कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होगी। लेकिन जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां उनको क्षेत्रीय दलों के भरोसे रहना पड़ रहा है और इसी का फायदा समाजवादी पार्टी उठा रही है। उसने केवल 11 सीटें देने की बात की है और कांग्रेस कम से कम 20 सीटों की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि तीसरे दौर की वार्ता में क्या फाइनल होता है। लेकिन इतना तय है अगर समाजवादी पार्टी ने 20 सीटें नहीं दी तो कांग्रेस से भी बयानबाजी होगी और समाजवादी पार्टी से भी बयानबाजी होगी
हो सकता है रिश्तों में खटास भी आ जाए। बिल्कुल, और इसी का फायदा जो है राघवेंद्र जी वो बीजेपी उठाते हुए नजर आएगी। क्या लगता है मामला सुलझ पाएगा सीटों को लेकर? देखिए, कांग्रेस के पास मजबूरी है, कांग्रेस के पास नेतृत्व का और जनाधार की कमी है, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले बहुत कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो हो सकता है रायबरेली अमेठी में वो फाइट दे पाए, लेकिन बाकी जगहों पे भी कांग्रेस के लिए उतनी अच्छी तस्वीर नहीं है, चूंकि संगठन में इनके तमाम कमियां हैं और इनके पास किसी एक जात या किसी एक समुदाय का वोट बैंक भी अभी नहीं है। आप कहने का सकते समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी के पास दलित वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस को बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास किस जाति और किस बिरादरी का वोट बैंक है। तो कांग्रेस को समझौता तो करना होगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी 80 में से केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कहीं कहीं कांग्रेस को एक तरह से पीछे रहकर तस्वीर पूरी पिक्चर देखनी होगी, समाजवादी पार्टी कंधों पे अपनी बतरणी पार करने की कोशिश करनी होगी। अब देखना होगा कि फिर तीसरे दौर की जो वार्ता होनी है, जो अमनीश पांडे जी कह रहे हैं कि अभी हम कम से कम 20 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है अखिलेश बड़ा दिल दिखाए, इनको 15-16 सीटें दे दें तो बात बन भी सकती है दोनों तरफ से। लेकिन अगर 20 सीटों पर कांग्रेस अड़ी रहती है तो तय मानिए आगे रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 12-13 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अयोध्या है, मैनपुरी है, आजमगढ़ है, बदायूं है, कन्नौज है, इन सब सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और उनका संगठन लगातार धरातल पर काम कर रहा है और वह नाराज अपने कार्यकर्ताओं को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। वह जानते हैं कि अभी 2027 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हो सकता है कि अकेले चुनाव लड़ना पड़े, इस नाते गठबंधन की मजबूरी है दोनों दलों के पास। अब देखना होगा कौन इसमें नरम पड़ता है, कौन गरम पड़ता है, क्या रास्ता निकल पाता है नहीं निकल पाता है, ये तो अभी भविष्य में है। लेकिन इतना जरूर है कि 11 सीटें अखिलेश ने कांग्रेस को देकर एक संदेश दे दिया है कि अगर इससे अधिक आप मांग करते हैं तो मिल बैठकर बात करनी होगी, तार्किक बात करनी होगी, वोट बैंक का हवाला देकर बात करनी होगी कि आप कहां से इन सीटों को जीतेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव, जो इतनी बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो 80 में से 20 सीटों कांग्रेस को दे दे, 60 सीटें आरएलडी को दे दे, तो उनके पास भी बहुत कुछ नहीं बचेगा लड़ने के लिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस पे झुकती है या अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हैं, कांग्रेस को कुछ और सीटें देकर मामले को रफादा कहा करते हैं। लेकिन जिस तरह से कल बात हुई कि 11 सीटों पर कांग्रेस मान गई है, अभी कांग्रेस मानी नहीं है, अभी बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल, राघवेंद्र जी क्या लगता है बातचीत से जो मामला है वो है सुलझ पाएगा, कहीं ये जो मामला है खटास तक न पहुंच जाए? देखिए, कांग्रेस पे पास दूसरा कोई च्वाइस नहीं है, क्योंकि बसपा से उनका गठबंधन हो नहीं पाया है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है, उसके पास मुस्लिम यादव वोट बैंक है। कांग्रेस हो सकता है कि अमेठी रायबरेली इसमें और ऐड हो जाए, 11 से 13 सीटें हो जाए, तब भी कांग्रेस मान जाएगी। और अखिलेश यादव भी यही जानते हैं कि हमको अमेठी रायबरेली अलग से देना पड़ेगा, 11 के अलावा 2 सीटें और देनी पड़ेंगी, तो हो सकता है बात बन जाए। लेकिन जो क्षेत्र, जो राज्य इकाई अजय राय है, जिस तरह से पूरे प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, उसके अलावा तमाम काम किए हैं, तमाम मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल किए हैं, उनको भी चुनाव लड़ाना है, तो अब देखना होगा कि जो प्रदेश नेतृत्व है कितना झुकता है, क्या केंद्रीय नेतृत्व के मुकाबले प्रदेश नेतृत्व ज्यादा मुखर हो जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में अनुशासन है, समाजवादी पार्टी में अनुशासन है, अगर नेतृत्व मना कर देगा राज्य इकाई को कि नहीं आपको 11 पे ही लड़ना है, तो फिर राज्य इकाई बोलने की स्थिति में नहीं रह जाएगी, अखिलेश यादव के साथ मिलकर उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं, उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़कर कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर ले। बिल्कुल राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।